अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक माई ट्यू फैमिली। कैसे हैं माई ट्यू फैमिली? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं बिल्कुल ठीक ठाक और उम्मीद करती हूँ कि आप सब भी खैरियत से होंगे। व्यूवर्स, आज के दिन मेरी अम्मी आ रही थी और वो लोग रात को आती हैं, बट आप क्या, जैसा कि सबको ही पता है कि गैस का बड़ा इशू है और अभी भी देखें कि गैस बहुत स्लो आ रही है। तो फिर मैंने सुबह ये हसन स्कूल चले गए थे, स्कूल के बाद इनके जाने के बाद सफाई वगैरह करी और फिर मैंने जल्दी से दाल चढ़ा दी, क्योंकि अम्मी ने बोला था कि मुझे तुम्हारे हाथ के दाल चावल खाने हैं, उसके साथ मैं चटनी भी बनाऊँगी और हरी मिर्ची फ्राई करूँगी, और बहुत ज़बरदस्त हरी मिर्चें फ्राई करूँगी, बहुत ज़बरदस्त चटनी की रेसिपी आपके साथ शेयर करूँगी, बहुत ज़बरदस्त ये हमारा दाल चावल प्लेटर बनने वाला है। तो फिर यही होता है कि अगर कोई गेस्ट आ रहा होता है तो सबसे पहले हमारा यही मकसद होता है कि हमारे पास क्या क्या चीज़ें हैं और क्या क्या चीज़ें नहीं हैं, क्या क्या चीज़ें हमें बनानी हैं, तो अपने माइंड में एक सेट कर लेते हैं कि हमें क्या क्या चीज़ें लेनी हैं। तो फिर सब्ज़ी वाला आ गया था, फिर मैंने टमाटर वगैरह जैसा कि मैकरोनी का सामान भी लिया था, मैंने गोभी बंद गोभी शिमला मिर्चें हरी प्याज, बट ये इशू हुआ था कि गैस बहुत ज़्यादा स्लो आ रही थी, क्योंकि अगर गैस स्लो आती है तो मैकरोनी कैसे बॉयल होती, तो वो कच्ची कच्ची हो जाती, क्योंकि उसके लिए आपको तेज़ आँच चाहिए उसके बॉयल के लिए। चले इसको तो छोड़ें और सबसे पहले हम स्टार्ट कर लेते हैं अपनी हरी मिर्चें बनाना, और ये बहुत ज़बरदस्त बनेंगी, आप यकीन करें मेरे घर में सबको पसंद आई है। और ये मैंने अपने दिमाग से फ़र्स्ट टाइम ये ऐसी रेसिपी शेयर कर रही हूँ आपसे, और फ़र्स्ट टाइम ये मैं बना रही हूँ। तो इसके लिए सबसे पहले हम ऑयल ले लेंगे, ऑयल के बाद हम इसके अंदर ज़ीरा ऐड करेंगे। ज़ीरा जब ये लाल हो जाएगा, थोड़ा वैसा भुन जाएगा, और देखें ऐसा लग रहा है कि गैस आ ही नहीं रही, जबकि गैस आ रही एकदम मध्यम मध्यम से आ रही है। तो मुझे बहुत ज़्यादा परेशानी हुई थी क्योंकि करने में, क्योंकि बहुत ज़्यादा स्लो आँच थी और गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही थी, लाइट भी नहीं थी, और बस हल्की आँच में ये सारी चीज़ें मैंने जल्दी से बनाना स्टार्ट करी। आप यकीन करें मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी, जबकि इतनी जल्दी का काम था, लेकिन गैस की वजह से बहुत ज़्यादा थकान हो गई थी, क्योंकि जो हमारा 5 मिनट का काम है वो हो रहा था हमारा आधा घंटे में। अच्छा, मैं मिर्चों की रेसिपी आपके साथ शेयर कर रही हूँ, तो इसके लिए मैंने ले लिया था 1 टेबल स्पून हल्दी पाउडर और 1/2 टेबल स्पून मैंने लिया है नमक और भुना कुटा ज़ीरा, एंड मैंने लिया है साबुत धनिया भून के और मैंने पीस के रख लेती हूँ, और इसके अंदर मैंने चाइनीज़ नमक भी ऐड करा है, चिकन पाउडर भी ऐड करा है, और इसके अंदर हम थोड़ा सा पानी डालेंगे और इसका मसाला अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे पानी डाल के इसके मसाले को, ताकि जब हम मिर्चों के ऊपर डालें तो जो ये मसाला है जले नहीं। और ये देखें मैंने मसाला इसके अंदर ऐड कर दिया था और थोड़ा सा मैंने और ऐड कर दिया पानी, ताकि हमारी मिर्चें इसमें लगे नहीं, और बहुत ज़बरदस्त मिर्चें बनी थी। और जब ये फ्राई हो जाएंगी, इसको आप कवर करके रख दें दम में, ये अच्छी तरीके से कुक हो जाएंगी, एकदम सॉफ्ट हो जाएंगी, और फिर इसके ऊपर हम डाल देंगे चाट मसाला एंड लीमू डाल देंगे। चाट मसाला मैंने डाल दिया था, वो वीडियो शूट नहीं हुई, फिर उसके बाद मैंने इसके अंदर नमक ऐड कर लीमू ऐड कर दिया, और ये देखें हमारी मिर्चों की रंगत चेक करें, कितनी ज़बरदस्त हमारी मिर्चें बनकर रेडी हुई हैं। तो आप लोग भी बनाइएगा और कमेंट्स करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी, और हमें हर तरह से मिर्चें बनानी चाहिए, बहुत ज़बरदस्त बनी थी। वरना अक्सर लोग ये होते हैं कि सादी मिर्चें फ्राई कर लेते हैं, उसके अंदर सिर्फ सॉल्ट ऐड कर देते हैं, कोई लीमू ऐड कर देते हैं, लेकिन आप, मैं कह रही हूँ इस तरीके से ज़रूर बनाइएगा, आपको ज़रूर पसंद आएंगी। और यकीन करें मेरे भाई ने तो ये सुबह पराठे के साथ भी खाई है, सॉरी पराठे तो बने ही थे, रोटी फ्राई करी थी, वही बता रही हूँ कि हमारी तरफ जो है गैस बस सिलो आँच आ रही है, और दोपहर में तो 2 बजे बंद हो जाती है, 5, 5:30 बजे आती है, लेकिन एनी टाइम स्लो आँच आ रही है, आप बिरयानी वगैरह नहीं बना सकते। और अब आ गई है चटनी की बारी, तो चटनी के लिए मैंने लिया है 1 अदद टमाटर, कुटी मिर्चें 2 टेबल स्पून और 8 जवे लहसुन के लिए थे मैंने, और इसके अंदर ज़ीरा लिया, कुटी मिर्चें ली, और इसको एक ब्लेंडर में डाल के इसको अच्छे तरीके से हम ब्लेंड कर लेंगे, और बहुत ज़बरदस्त हमारी चटनी ये बनके रेडी हो जाएगी, और फिर इसको हम फ्राई करेंगे। फ्राई करने के लिए सबसे पहले हम ऑयल ऐड कर देंगे, तो जिसमें मैंने मिर्चें बनाई थी उसी के अंदर मैंने ऑयल थोड़ा सा ऐड करा, इसके अंदर मैंने ज़ीरा ऐड करा, कड़ी पत्ता ऐड करा, और ये देखें इतनी देर लग रही है कड़ी पत्ते को भी फ्राई होने में, फिर मैंने वेट नहीं करा, फिर मैंने बोला भाई डाल दो चटनी इसी के अंदर, एक साथ ही ये भुन जाएगा, और फिर इसको भी मैं कवर करके रख दूँगी, और जब चटनी हमारी अच्छी तरीके से भुन जाएगी और खुशबू बहुत ज़बरदस्त आ रही है, जैसे मैंने चटनी ऑयल के अंदर डाली तो बहुत ज़बरदस्त
चटनी बन गई। और आप समझ रहे होंगे कि ये तो भाई 1 मिनट में चटनी बन गई। ना ही भाई, ये 1 मिनट में चटनी नहीं बनी, ये बनी है पूरे आधे घंटे में। क्योंकि आप लोग गैस देख रहे होंगे कितनी ज़रा सी आ रही है, और आप लोगों की तरफ जो टाइमिंग की गैस आती है सही आती है स्लो आती है, तो कॉमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा कि क्या टाइमिंग है आप लोगों की, गैस के शेड्यूल क्या हैं। और ये देखें हमारी ज़बरदस्त सी गर्मा गर्म चटनी रेडी हो चुकी है, और ये बेसन की रोटी के साथ भी बहुत ज़बरदस्त लगती है। अच्छा, अब हमारी जो दाल है वो बॉयल हो गई थी, और दाल बॉयल होने के बाद अब आ जाता है हमारी जो दाल की जो चटनी है वो हम बनाएंगे, ताकि मसाला इसके अंदर भून के अलग से हम डालेंगे। दाल मैंने अलग से बॉयल करने चढ़ा दी थी, ब्लैक वाली दाल बना रही हूँ। कोई ब्लैक वाली दाल कहता है, कोई मलका मसूर की दाल कहता है, कोई खड़े मसूर की दाल कहता है। तो ये देखें, सबसे पहले मैंने ऑयल डाला, ऑयल के बाद मैंने प्याज डाला इसके अंदर, ज़ीरा डाला, और फिर इसके बाद मैंने हरी मिर्चें काटी टमाटर के अंदर, नमक, हल्दी, कुटी मिर्चें और लहसुन अदरक का पेस्ट। ये हो गई हमारी प्याज ब्राउन, और इसके बाद हम डालेंगे लहसुन अदरक का पेस्ट और बाकी सारे मसाले और टमाटर डाल के, क्योंकि टाइम नहीं था, मैंने बोला ये गैस भी चले जाएगी 1:30 बजे तक के, 2 बजे तक के, और देख रहे हैं आप कितनी हल्की गैस है, आपको चूल्हे में नज़र भी नहीं आ रही, ऐसा लग रहा है कि मैजिक से खाना बन रहा है भाई। तो बस यही रीज़न है, और अभी मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ तो फ़ैन ऑफ है, तो बस पंखे में बंद करके हम लोग वॉइस ओवर करते हैं, और फिर इतनी बुरी हालत हो जाती है कुकिंग करते वक्त भी, और लाइट फ़ैन ऑफ़ करते हो, जब वीडियो एडिटिंग करते हैं जब भी फ़ैन ऑफ़ करते हैं तो बहुत बुरा हाल हो जाता है। और ये चटनी हमारी भुन गई थी, और इसको मैंने दाल के अंदर डाल दिया था, और हमारी मज़ेदार सी ये दाल भी रेडी हो चुकी है। और दाल भी मैं देखती हूँ वीडियो के, हर कोई अलग अलग तरीके से बनाता है, कोई एक साथ ही इसमें सारी चीज़ें डाल के चढ़ा देता है। अच्छा, अब मुझे बनाना था शवारमा बनाना था और मैक्रोनी बनानी थी, तो फिर ये हुआ था मैक्रोनी का प्लान तो कैंसिल हो गया था, और जो मैं कीमा बना रही हूँ, अच्छा मैंने कीमा ऐसी बना लिया था कि मैं कुछ भी बना लूँगी इसका ना बच्चों के लिए, क्योंकि दाल चावल तो बन रहे थे, और ये सारी चीज़ें मैं दूसरे दिन बनाती, क्योंकि अम्मी लोग रात को आए थे 9:30 बजे आए थे, बल्कि 10 बज गए थे, लाइट हमारी चली गई थी, तो फिर मैंने बोला रात को आएंगे, तो फिर रात को मैंने बोला कि दाल चावल बना लेना। और दूसरे दिन ये था कि मेरी सिस्टर आती है, और वो 7 महीने के बाद आ रही थी, क्योंकि वो बहुत कम आती है, माशाल्लाह उसके 4 बच्चे हैं तो बाइक पे नहीं आ सकते, और वैसे भी वो बहुत कम निकलती है, तो फिर जाहिर सी बात है जब इतने दिनों के बाद आएगी तो फिर अच्छा कुछ करने चाहिए। तो फिर मैंने जल्दी से ये चीज़ें, पहले ही मैंने कीमा वगैरह बना के रख लिया था, सब्ज़ियाँ वगैरह कटिंग करके रख ली थी, कि देखूँगी सेकेंड डे मुझे क्या बनाना है, क्योंकि गैस की वजह से मैंने आधी चीज़ें ना आज ही सारी चीज़ें करके रख दी थी। दाल चावल तो बना नहीं थी आज, बड़ी जो शवारमा वगैरह दूसरी चीज़ें थी इसका मैंने कीमा रेडी करके रख लिया था। अच्छा, इसके अंदर मैंने डाला था सोया सॉस, सिरका और वेनेगर डाला था, नमक डाला था, 1 टेबल स्पून कुटी मिर्चें डाली थी, काली मिर्चें डाली थी, चिकन पाउडर डाला था और थोड़ा सा नमक डाला था, और बस ये कीमा हमारा रेडी हो गया था। इसका बाद में देखेंगे क्या करना है, बट जब तक के बस यूँ मैंने कीमा बना के रख लिया था, और बहुत ज़बरदस्त बने थे हमारे शवारमे इसके, जबकि मैंने मैक्रोनी के लिए बनाया था, वैसे तो मेरे को मैक्रोनी बनानी थी, और यहाँ पर मेरा भाई वगैरह खाना खा रहा था, तो मैंने वीडियो शूट कर ली थी थोड़ी सी, क्योंकि भाई और मेरे हस्बैंड एक साथ जॉब पे जाते हैं, तो मेरा भाई मेरे हस्बैंड के साथ आ गया था। और ये देखें कुकुम्बर आ गए हमारे, दाल चावल आ गई, मिर्ची आ गई, चटनी आ गई, और साथ में नीमको भी थी। जब तक कि नीमको पापड़ नहीं हो तो दाल चावल में मज़ा नहीं आता। और ये देखें मेरे हस्बैंड कितने शौक से खा रहे हैं, मैंने बोला कि मैं थोड़ी वीडियो शूट कर लूँ, तो फिर उनका वही होता है, नहीं नहीं मेरी नहीं बनाना, मेरी नहीं बनाना। फिर मैंने अपने भाई की बनाई, और फिर ये मैं आ गई थी किचन में, तो किचन में मैं, अम्मी आने वाली थी, मैं दाल वगैरह गरम कर रही थी, लेकिन जैसी अम्मी आई है वैसी लाइट चले गई थी। मैंने बोला फिर गैस भी जाने वाली है, 11 बजे पूरी गैस बंद हो जाती है। फिर मैंने जल्दी से क्या कहते हैं बर्तन वगैरह वॉश करे, मैंने बोला जल्दी से बर्तन वगैरह वॉश करके, वैसे तो वॉश करके रखते हैं, लेकिन जब आप लोग यूज़ करें, जब भी आप यूज़ करें तो वॉश करके यूज़ करा करें खंगाल के।
और ये देखें मैंने प्लेट तैयार कर ली थी। ये मेरी भाभी ने आलू पालक चिकन दिया था और बाकी सारी चीज़ें मैंने गरम करके रख ली थी कि जैसी अम्मी आएंगी फ़ौरन खाना निकालूंगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी। मेरे हस्बैंड मेरे भाई ने खा लिया था और मैंने 2-3 बार ले लिए थे, बट मैंने बोला अम्मी के साथ भी खाऊंगी। अच्छा नहीं लगता कि अम्मी 3 दिनों बाद आ रही हैं, और अम्मी भी बहुत दिनों बाद आ रही थी। अम्मी 3 महीने बाद आ रही थी और मेरी सिस्टर तो 7 महीने बाद आ रही थी। तो यही होता है जब बहनें वगैरह कोई भी आता है, चाहे मेरी नंदे वगैरह आए, तो मेरा यही होता है कि मैं उनको अच्छी सी अच्छी चीज़ें बना के खिलाऊँ और अच्छे तरीके से उनके सामने पेश करूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह से ये बहन के बच्चे अम्मी के साथ ही आ गए थे, क्योंकि 2 बच्चे जो थे वो मेरी बहन के साथ कल आते, उसके बच्चे जो छोटे बच्चे हैं बहुत ज़्यादा तंग करते हैं, तो फिर वो 5 बजे तक के आई थी, 5:30 बज गए थे उसको शाम में आते आते, और फिर 8 बजे चली भी गई थी, बस थोड़ी सी देर के लिए आई थी। और ये देखें यहाँ गए और हसन साहब पागल हो जाते हैं, बस इनके कज़न वगैरह आ जाएँ और इनका चीज़ पर अटैक हो रहा था, जबकि इनकी आनी लेके आती है, उन्होंने ही सबको दिलाई थी। और ये अम्मी आ गई, मेरी सिस्टर आ गई, तो बस ये देखें ये मेरी बहन है, ये मेरी अम्मी है। तो ये लोग वीडियो वगैरह में नहीं आती, बस मैंने थोड़ी थोड़ी ऐसी दूर से वीडियो बना ली थी। और कितनी खुशी होती है जब घर पे कोई आता है, तो बहुत अच्छा लगता है, बहुत ज़्यादा खुशी होती है। और ये लोग आ गए, लाइट चली गई है, अब बस खाना लगाते हैं। सन क्या लेके आई हैं नहीं आपकी, दिखाओ। वाह भाई आपके तो बड़े मज़े आ जाते हैं। थैंक यू बोला आनी को भाई, इनकी आनी चीज़ें लेके आती हैं जब भी आती हैं, और ये थैंक यू बोल रहे हैं, और ये इनकी सारी चीज़ें फेवरेट हैं। और ये देखें भाई ये फेवरेट हैं आपकी चीज़ें, और आप अभी से नहीं खाओ सारी चीज़ें, ये देखो ज़रा सारी चीज़ें ही खाने लग गए हैं भाई। और लाइट जा चुकी है, अब खाना देखो कब खाओगे खाना। अंगूर खा रहे हो, केले अकेले हसन, ये देखें ये होती है, हम भी खा लें। कौन लेके आएगी, आप लोग लेके आए, नानी लेके आई है ना, तो भाई ये लोग अंगूर लेके आए, अंगूर खा रहे हैं हम लोग, खाना वाना खा लिया, लाइट गई भी है, लाइट आई और हमारा हसन तो पागल हो गया, देखे पसीने दिखाए, इधर आए आप, इधर आए, इनके पसीने चेक करें कैसे चमक रहे हैं ये। जब कोई आता है ना तो ये पागल हो जाता है। ओ भाई हसन के तो मज़े आ गए, इतना बैग जबरदस्त लग रहा, दिखाओ है कलर भी जा रहा है। और इनके मामू इनके लिए बैग लेके आए हैं भाई, इनकी बर्थडे का पहले गिफ्ट मिल गया, बहुत अच्छा है शादी, जबरदस्त बैग है माशाल्लाह। अच्छा लगा, बाबा को दिखाओ, थैंक यू बोलो, कलर पेंसिल भी है भाई, बोतल भी आ गई हसन की, तो येरी वाह हसन, थैंक यू बोलो मामू को, हसन थैंक यू बोलो मामू को, इतनी सारी चीजें दी है मामू ने, वाह भाई पूरा वेग आ गया, जबरदस्त, थैंक यू बोलो, अब थैंक यू बोलो, किसको बोल रहे हो थैंक यू, सो गाइस वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर दिया करें, ताकि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।